देश भक्ति की भावना से जगमगाया पूरा प्रयागराज। स्वर्ण विजय वर्ष समारोह बड़े ही धूमधाम से चंद्रशेखर आजाद पार्क में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना की ओर से आयोजित की गई विजय की 50वीं वर्षगांठ आज ही के दिन 1971 में हुआ था। भारत पाकिस्तान में युद्ध, पाकिस्तान पर हासिल की थी भारत ने फतेह। विजय दिवस के अवसर पर प्रयागराज से कानपुर के लिए निकली साइकिल यात्रा। वहीं पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो हथियार से पाकिस्तान पर लहराया था विजय तिरंगा, उसी हथियारों की अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। हथियार प्रदर्शनी, युद्ध फिल्म स्क्रीनिंग और प्रश्नोत्तरी पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यह भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। विजय स्वर्णिम वर्ष मनाया जा रहा है, क्या पूरा कार्यक्रम है और कितने दिन तक ये चलेगा, क्या कुछ रहेगा पूरे कार्यक्रम में? ये 4 दिन का कार्यक्रम है पूरा। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि ये साल हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है और 50th ईयर ऑफ 1971 वॉर है। तो हमने 4 ईगल रेड डिवीजन की तरफ से साइकिलिंग एक्सपेडिशन और बोटिंग एक्सपेडिशन आयोजन हुआ है। आज हम साइकिलिंग एक्सपेडिशन शुरू कर रहे हैं। तो हम साइकिलिंग एक्सपेडिशन में प्रयागराज से कानपुर तक की दूरी तय करेंगे 2 दिन में। उसके बाद हम कानपुर से प्रयागराज वापस आएंगे बोट से। 2 दिन का कार्यक्रम? हाँ, 2 दिन का कार्यक्रम। इससे हम, मेरा नाम कैप्टन सौरभ कुमार है, इससे ये हम आयोजन कर रहे हैं कि हम लोगों में एक सेंस ऑफ राष्ट्रवाद ला सकें और हमारा मैसेज जा सके एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज के लिए। फिर लास्ट में जो बोटिंग एक्सपेडिशन आयोजन हुआ है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हुआ है। मेरा नाम कैप्टन सौरभ कुमार झा है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं संसद के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा। मैंने